हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मॉड और टिश्यू पेपर, जिसको आप नैपकिन पेपर भी बोलते हो, दोनों को यूज़ करके हम कितना सुंदर एक DIY बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से तैयार कर सकते हैं। तो आजकल आपने देखा भी है कि मार्केट में डिफरेंट पैटर्न के, डिफरेंट टेक्सचर के, डिफरेंट डिज़ाइंस और बहुत ही सुंदर सुंदर आजकल टिश्यू पेपर और नैपकिन पेपर आ रहे हैं। तो उन्हीं टिश्यू पेपर और नैपकिन पेपर का यूज़ करके मैं ये DIY बनाऊंगी। और इससे पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मैं बताती हूँ मॉड कैसे बनाते हैं। देखिए, हम 1 टीस्पून लेते हैं वाइट ग्लू। तो मैंने यहाँ पे वुडन जो फेविकॉल होता है वो यूज़ किया है, वुडन फेविकॉल। इतना ही अमाउंट में आप इसमें वाटर भी ऐड कर लीजिए। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए, उसमें एक भी पल्प नहीं मिलना चाहिए, नहीं रहना चाहिए फेविकॉल का, वाइट ग्लू का। अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आपको एक थिक लिक्विड मिलता है और वही थिक लिक्विड होता है आपका MOD मॉड। तो मॉड की हेल्प से अब हम किस तरीके से एक टूटा हुआ प्लेट, मैं लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था जिस पर मैंने गैसो का यूज़ किया था, उसको रिन्यू किया था कि गैसो किस तरह से बनाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। उसी टूटे हुए प्लेट को जिस पर मैंने गैसो किया था, आज मैं उससे एक बहुत ही सुंदर DIY बनाने जा रही हूँ। और जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मॉड, जो मैंने एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लिया है। तो हमेशा इसको एयर टाइट डिब्बे में रखिए, अगर आप बच जाता है तो उससे क्या होता है कि वो आसानी से आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वाइट ग्लू प्लस वाटर से आप मॉड बन गया। ये है मेरी गैसो वाली प्लेट। मैं गैसो कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था और इसका डेमो भी दिया था। तो मैं आपके साथ इस लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से वीडियो पर जा सकते हैं। तो देखिए, मॉड जो बनाया, अब मैंने इस गैसो प्लेटेड प्लेट पर मॉड का एक लेयर इस पर इस तरह से कोट इस पर कर दिया है। अच्छे से कोट कीजिए, बिल्कुल अच्छे से, कोई भी पार्ट इसका ना बचे, कि कोई भी पार्ट पर ब्रश, मॉड का ब्रश ना लगा हो। अच्छे से इसको, मॉड को इस पर कोट कर दीजिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल हर कोने में, हर एंगल से यहाँ पर मॉड इस पर कर रही हूँ। उसके बाद हमने यूज़ करना है, मेरे पास है ये टिश्यू पेपर, जिसको नैपकिन पेपर भी हम बोलते हैं। तो मेरे पास इस डिज़ाइन का है, मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर और भी डिज़ाइंस मिलते हैं, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मैंने हाथ से, आप हाथ का यूज़ कीजिए, सीजर्स का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि जब हम इसको पेस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है मॉड की हेल्प से कि ये इसी पर एक पैटर्न ड्रॉ है। ये हमने कोई चीज़ पेस्ट नहीं किया है, कोई पेपर पेस्ट नहीं किया है, ये बिल्कुल इसमें नेचुरली प्लेटेड प्रिंट लगता है, जिसे प्लेट पर ही प्रिंट हो रहा है पहले से ही, तो ये बिल्कुल नहीं पता चलता है। मॉड की हेल्प से जब इसको पेस्ट करते हैं तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही शाइनी हो जाता है और बिल्कुल इस पर प्लेट पर लगता है कि ये कंपनी से ही, फैक्ट्री से ही इस तरह से प्लेटेड आया है। इसके बाद क्योंकि ग्रीन कलर है, मैंने ग्रीन कलर का हल्का सा शेड अपोजिट साइड में दे दिया, आप देख भी रहे हैं। और दूसरी साइड सेम पैटर्न में मॉड की हेल्प से ये डिज़ाइन मैंने इस पर पेस्ट कर दिया, उस पर मैंने हल्का हल्का ग्रीन शेड दे दिया है। तो इस तरीके से ये प्लेट, अभी भी आप देख रहे हैं कि टूटा हुआ प्लेट, जो आप साइड में देख भी पा रहे हैं कि ये टूटा हुआ प्लेट था, जिसको मैंने इतना सुंदर तरीके से इसको सजा दिया। आप भी सजा सकते हो, कप, प्लेट, ट्रे, कुछ भी हो, आप उन्हें इजीली से बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं इसका डेमो दे रही हूँ कि मॉड को किस तरह से यूज़ किया है मैंने। और इसके बाद मैंने ये पेपर पेस्ट कर दिया। पेपर पेस्ट करने के बाद मैंने ऑरेंज फ्लावर है इसमें, ऑरेंज ब्रश फैब्रिक कलर से मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स भी बना दिए। और फिर मैंने यूज़ किया 3D लाइनर। मैंने 3-4 कलर्स के 3D लाइनर यूज़ किए। 3D लाइनर कैसे बनाते हैं वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि आप इजीली घर पर ही 3D लाइनर बना लें, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मार्केट में बहुत महंगे 3D लाइनर्स मिलते हैं। तो देखिए, ऑरेंज 3D लाइनर की हेल्प से मैंने जितने भी ऑरेंज फ्लावर थे उनको आउटलाइन कर दिया है, जिससे उनमें 3D लुक आ गया है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद मैंने वाइट यूज़ किया, वाइट को मैंने स्टेमन को 3D करने के लिए वाइट 3D लाइन का यूज़ किया। इसके साथ साथ जो प्लेट का बेस बचा वहाँ पर मैंने वाइट बेस है, तो वाइट कलर के ड्रॉप्स बनाए हैं, जो ड्रॉप्स इसमें से ही उभरते हुए 3D लुक दे रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने वाइट का भी प्रॉपर यूज़, जहाँ जहाँ मुझे सही लगा मैंने यूज़ किया वाइट 3D लाइनर को। आप भी जहाँ पर अच्छा लगे आप इसे इजीली कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से मैं इसको कर रही हूँ। इसके बाद मैंने येलो
3D लाइनर भी यूज़ किया कि वाइट ड्रॉप के साथ साथ छोटे छोटे मैंने येलो ड्रॉप्स भी लगाए, जिससे वाइट में एक बहुत ही सुंदर शाइन आ रही थी, एक रिफ्लेक्शन आ रहा था येलो कलर का वाइट ड्रॉप्स पर भी। तो इस तरह से वाइट ड्रॉप मैंने यूज़ कर दिए। और एंड में जब मैंने ये देखा तो कि मुझे लगा कि मुझे लीव्स में भी कुछ 3D लुक देना चाहिए। देखिए प्लेट को आप ऐसे भी रख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे लीव्स को भी थोड़ा 3D लुक देना चाहिए। तो मैंने ब्लैक 3D लाइनर से इसका जो मेन वेन था, जो इसका मिड रिब था, उसको किया, और वाइट 3D लाइनर से इनकी आउटलाइन को मैंने कर दिया। तो लीव्स भी 3D लुक में आ गई और ये बहुत सुंदर एक ट्रे बनकर तैयार हो गई। और सबसे बड़ी खासियत थी कि ये वाटरप्रूफ है, आप इसे सर्विंग प्लेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप इसे डेकोरेटिंग प्लेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप इसे डेकोरेटिंग आइटम की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसे किसी भी टेबल पर आप डेकोर कर सकते हैं, इसके पीछे लाइटिंग करके आप इसे कहीं भी एक शोपीस की तरह इसको रख सकते हैं। तो इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो आप, मुझे तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी फ्रेंड्स। और आप किसी भी तरह के आइटम, अभी भी मैं आपके साथ काफ़ी सारे आइटम्स और शेयर करूंगी इसी तरीके से। तो फिर एंड में देखिए यहाँ पर इस तरीके से जैसे आपको डेकोरेट करना, दैट ऑल इज़ योर चॉइस, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। और बाद में मैंने 3D लाइनर की हेल्प से एक पूरा इसका बेस कर दिया है, फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया मैंने लगभग हाफ आवर और 45 मिनट्स के लिए। बिल्कुल इसके जितने भी लाइनर्स थे सभी ड्राई हो गए। और ड्राई होने के बाद मैंने एक और कोट कर दिया मौत का, जिससे इसकी शाइनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये बहुत ही स्मूथ और शाइनी बन गया। और इसके बाद मैंने इसको डेकोरेट किया। तो देखिए मैं इसको कहाँ डेकोरेट करती हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और फिर से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे।